इस वीडियो का थंबनेल देख के शायद आप लोग सोच रहे होंगे कि हाउ कैन लीगल एप्टीट्यूड बी लिमिटेड टू अ पर्टिकुलर ईयर दैट इज़ द कैच ऑ ऑफ दिस वीडियो आई एम स्टार्टिंग विद दिस न्यू सीरीज जहाँ पर हम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ वो टॉपिक्स डिस्कस करेंगे उन टॉपिक्स के ऊपर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे विच हैव बीन इन न्यूज दे आर स्टैटिक इन नेचर उनके पीछे का जो स्टैटिक पोर्शन है वो डिस्कस करेंगे जैसे लीगल करेंट अफेयर्स में हम प्रेजेंट uh, में जो चल रहा है उसके बारे में बात करते हैं इस वीडियो में इन, इस सीरीज में हम डिस्कस करेंगे वो टॉपिक्स जो प्रेजेंट करंट लीगल अफेयर्स से रिलेटेड है बट but they are of static nature. हाई गाइज आई मई यू शी योर मैं लॉ एंट्रेंस एग्जाम्स एंड वेलकम टू लॉ डाइजस्ट दैट इज द मेन ऑब्जेक्टिव बिहाइंड दिस न्यू सीरीज़ कि आपकी एग्जामिनेशन की प्रेपरेशन uh, इस तरह से हो कि बहुत टारगेटेड प्रेपरेशन हो सके दैट यू नो दैट वट आर द स्टेटिक टॉपिक्स विच आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन स्टार्टिंग विद द फर्स्ट वन वट इज़ द पनिशमेंट अंडर सिडिशन लॉ अब हम ये क्वेश्चन की बात क्यों कर रहे हैं वी आर टॉकिंग अबाउट दिस क्वेश्चन बिकॉज सिडिशन लॉ हैज बीन इन न्यूज़ बहुत डिबेट रहा इसको लेके कि सिडिशन लॉ कॉलोनियल टाइम का है ये पुराना है इसको हटा देना चाहिए एंड सुप्रीम कोर्ट ने इसको अबेंस में डाल दिया है फाइनली नाउ हियर व्हाट इज द पनिशमेंट यू शुड नो द बेसिक बिहाइंड सिडिशन लॉ कि क्या सिडिशन लॉ एक्चुअली कहता है तो अगर हम पनिशमेंट की बात करें तो सिटीशन लॉ में जो पनिशमेंट है दैट कैन स्टार्ट दैट कैन रेंज फ्रॉम इंप्रिजनमेंट फॉर थ्री इयर्स देन इट कैन गो अप टू लाइफ इंप्रिजनमेंट एंड फाइन ऑल्सो सो ऑल ऑफ द अबव इज द आंसर हियर देन मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट वन जो रेयरेस्ट ऑफ़ द रेयर प्रिंसिपल अवार्ड है डेथ पेनल्टी का वो कौन से केस में डिसाइड हुआ था अब ये हम बात कर रहे हैं बिकॉज ए जी पेरीवरल जो केस था जहाँ पर डेथ सेंटेंस को चाहे फोर्टीन ईयर्स पूरे नहीं हुए थे उसको कम्यूट कर दिया गया बाय द गवर्नर तो इसके बारे में जो बात हो रही थी इस रिलेशन में हम इस प्रिंसिपल की बात कर रहे हैं आप ये रेयरेस्ट ऑफ द रेयर प्रिंसिपल कि डेथ पेनल्टी सिर्फ रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केसेस में दी जा सकती है ये आया था थ्रू द बच्चन सिंह केस

शिवसेना में इस ईयर हमने देखा कि एक नाथ शिंदे एंड अदर एम एल एज दे गॉट टूगैदर टू लीव द पार्टी नॉट लीव द पार्टी एक्चुअली फॉर्म देयर ओन सेपरेट गवर्नमेंट तो पार्लियामेंट स्टेट असम्बली दोनों को ही ये लॉ एंटी डिफेक्शन अप्लाई होता है तो डिसाइडिंग अथॉरिटी कैन बी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा और स्पीकर ऑफ लोकसभा और यू नो बेसिकली दिस इज टू से दैट द प्रिसाइडिंग ऑफिसर प्रिसाइडिंग ऑफिसर कैन बी ऑफ पार्लियामेंट और स्टेट देन, गवर्नर के पास क्या पावर है डेथ पेनल्टी के केसेस में इसको लेके भी काफ़ी कन्फ्यूजन रहा है गवर्नर कैन पार्डन द डेथ पेनल्टी टोटली दैट इज नॉट सो अगर आप आर्टिकल 161 में देखेंगे उसमें क्लियरली डिविजन दिया हुआ है पार्डन वर्ड यूज किया गया है इन केसेज ऑफ पनिशमेंट और uh, सस्पेंशन रेमिशन कम्यूटेशन यूज़ किया है इन अदर केसेस जहाँ पर स्टेट की पावर एक्सटेंड होती है तो एंड कोर्ट मार्शल कोर्ट सेकेंड ऑप्शन ये जो दिया हुआ है वी नो दैट ओनली प्रेसिडेंट कैन डील विद दीज केसेस की डेथ पेनल्टी को कम्प्लीटली पार्डन कर देना या कोर्ट मार्शल कर देना uh, को पार्डन कर देना नाओ दिस हैज बीन इन क्वेश्चन बिकॉज रिसेंटली देर वॉज अ केस मैंने इस केस को डिस्कस भी किया था आपके साथ इन माई लीगल करेंट अफेयर्स वीडियोज जहाँ पर हम जजमेंट्स डिस्कस करते हैं सो जस्ट कीप फॉलोइंग आस हेयर एज वेल एज ऑन इंस्टाग्राम सो दैट यू डोंट मिस आउट ऑन सच इंपॉर्टेंट अपडेट्स जहाँ पर बात करी गई थी जो सेक्शन फोर थर्टी थ्री एफ सी आर पी सी है वो ये कहता है कि अगर फोर्टीन ईयर्स की इम्प्रिजमेंट uh, जो है uh, अगर वो उतनी टर्म नहीं सर्व करी गई है तो आप पार्डन नहीं कर सकते हो बट रिसेंटली कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट ने अपनी पावर एक्सरसाइज करते हुए अंडर 142 फोर्टी टू आर्टिकल जो इनहेरेंट पावर्स हैं उनको एक्सरसाइज करते हुए बोला कि गवर्नर uh, की पावर जो है इट डज एक्सटेंड टू पार्डनिंग दीज पनिशमेंट्स इरिस्पेक्टिव ऑफ दिस पर्टिकुलर सेक्शन इवन इफ फोर्टीन ईयर्स नहीं पूरे हुए हैं तब भी आ, वो आ, जो पनिशमेंट है वो सस्पेंशन डेमिशन कमेशन उसका हो सकता है सो ऑप्शन सी हेयर इज़ द करेक्ट आंसर मूविंग फॉरवर्ड, पॉक्सो एक्ट के अंदर क्या ऐज है पॉक्सो एक्ट हम देख रहे हैं कि आ, बहुत सारे कुछ केसेज रजिस्टर हो रहे हैं पॉक्सो एक्ट में सैडली पॉक्सो एक्ट इज बेसिकली जो आ, आ, क्राइम्स होते हैं सेक्शुअल ऑफेंसेस के क्राइम्स होते हैं अगेंस्ट चिल्ड्रन उससे पॉक्सो एक्ट डील करता है एंड हियर द एज ऑफ अ चाइल्ड अंडर पॉक्सो एक्ट इज गिवन एज 18 इयर्स सम पीपल माइट गेट कंफ्यूज्ड कि 16 17 18 नहीं है इसके अंडर बट वो भी इसके अंडर है ऑल ऑल्दो द सिवरिटी ऑफ द पनिशमेंट और दीज थिंग्स चेंज देन मैरिटल रेप इज़ कंसिडर्ड टू बी एन ऑफेंस अंडर विथ सेक्शन नॉर्मली सेक्शन रिलेटेड क्वेश्चन ऐसे नहीं आते हैं एक दो क्वेश्चन ही मुश्किल से आता है आई कीप टेलिंग यू दैट यू नीड नॉट रिमेंबर ईच एन एवरी सेक्शन नाउ स्पीकिंग ऑफ मैरिटल रेप क्योंकि ये न्यूज़ में रहा है डिविजन डेली हाईकोर्ट में स्प्लिट वर्डिक्ट आया है मैरिटल रेप तो, पर तो यहाँ पर इसलिए हम इस क्वेश्चन को कंसिडर कर रहे हैं 375 सेवेंटी डिफाइन करता है रेप को

कि मैरिटल रेप का प्रेजेंट में अब स्टेटस क्या रहेगा बिकॉज स्प्लिट पॉडिक्ट आया है तो ये फर्दर या तो थ्री जज बेंच डिसाइड करेगी फाइनली या सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेगा इसलिए ऑप्शन है नन ऑफ द अबव देन हु डिलीवर्स दी ओथ टू द प्रेसिडेंट रिसेंटली यू सॉ दैट द न्यू प्रेसिडेंट हैज बीन अपॉइंटेड एंड यू मस्ट बी अवेयर ऑफ द नेम लेट मी नो द नेम इन द कॉमेंट बॉक्स बिलो आई थिंक ये तो हर किसी को ही पता होना चाहिए कि किनको प्रेजिडेंट के लिए अपॉइंट किया गया है इतनी सारी आ, लोगों के कॉमेंट्स भी रहे हैं उनके अपॉइंटमेंट को लेके सो लेट मी नो नाउ हु डिलीवर्स द ओथ टू द प्रेजिडेंट इट इज़ नॉट द पी एम इट इज़ द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया येस और अगर चीफ जस्टिस प्रेजेंट नहीं है तो उनकी एबसेंस में सीनियर मोस्ट जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट हु इज़ अवेलेबल विल डिलीवर द ओथ टू द प्रेसिडेंट ये इसलिए यहाँ पर करेक्ट आंसर है Uh, एक और क्वेश्चन प्रॉब्लम यहाँ से बन सकता है कि ओथ कौन से शेड्यूल में गिवन है ये भी मैं बहुत बार क्वेश्चन डिस्कस कर चुकी हूँ ये भी कमेंट बॉक्स में डालिएगा कि ओथ कौन से शेड्यूल में गिवन है कॉन्स्टिट्यूशन के देन इज देयर एनी रेजर्वेशन इन प्रमोशन इन गवर्नमेंट जॉब्स टू एस सी ये हमने प्रॉपर्ली डिस्कस किया था जब मैंने डिस्कस किया था केस ऑफ लक्ष्मी नारायण uh, जो जर्नेल सिंह लक्ष्मी नारायण का केस है मैंने डिटेल में डिस्कस किया है बहुत सारा 2018 में भी ये केस आया था अब 2021 वन में भी ये केस रहा है इम्पॉर्टेंट तो इसके बारे में स्पेशली डू वॉच दैट वीडियो आई वुड वांट यू टू वॉच दैट वीडियो बिकॉज सीरीज ऑफ केसेस हैव बीन कवर्ड एम नाजरा जजमेंट है इंदिरा सहनी का जजमेंट है तो ये सब जजमेंट्स इंपॉर्टेंट हैं इस रिगार्ड में बी पवित्रा का जजमेंट है तो यहाँ पर बेसिकली uh, इशू ये रहा है अब अगर आप देखेंगे तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 15, 16 बात करते हैं रिजर्वेशन की कि बैकवर्ड क्लासेस को रिजर्वेशन दिया जाना चाहिए 16 जो बात करता है वो एक इनेबलिंग प्रोविज़न है कि स्टेट उनको रिजर्वेशन दे सकती है इन प्रमोशन इन अपॉइंटमेंट टू गवर्नमेंट जॉब्स नाउ दैट विल डिपेंड ऑन वॉट इट विल डिपेंड ऑन देयर इन एडिक्यसी कि वो इनएडिकुटली रिप्रेजेंटेड हैं बैकवर्ड क्लासेस हैं और इनएडिक्टली रिप्रेजेंटेड हैं इनिशियली Uh, ये बोला गया था कि आपको ये भी डेटा देना होगा गवर्नमेंट को कि ये बैकवर्ड क्लासेस हैं पहले तो आप ये प्रूफ करोगे एंड देन यूड शो दैट दे आर इन एडिकुएटली रेप्रजेंटेड बट लेटेस्ट जो ऑब्जर्वेशन ये ही रहा है लेटेस्ट जजमेंट ये ही है कि बैकवर्डनेस आपको शो करने की ज़रूरत नहीं है अगर आप बस ये दिखा दो डेटा से दैट दे आर इन एडिकुएटली रेप्रजेंटेड एंड उनको रिजर्वेशन की ज़रूरत है उस केसेज में आपको रिजर्वेशन मिल जाएगा मराठा कोटा केस भी इंपॉर्टेंट है इस रिगार्ड में सो so, uh, अगर हम बात करें कि रिजर्वेशन इन प्रमोशन टू गवर्नमेंट जॉब्स अगर एज अ मैटर ऑफ राइट बात करें तो नो देर इज नो रिजर्वेशन इट इज़ ओनली एन इनेबलिंग प्रोविजन स्टेट के ऊपर है अगर इन एडिकुटली रिप्रेजेंटेड है तो उनको रिजर्वेशन मिल सकता है देन जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के अकॉर्डिंग कौन से चिल्ड्रन uh, हैं जिनको स्पेशल होम्स में रखा जाता है ना जुवेनाइल जस्टिस एक्ट ये स्पेशल एक्ट इसलिए ही बनाया गया है कि इनको अलग स्पेशल पनिशमेंट दी जाए दे आर नॉट डेल्ट विद अंदर आई बिकॉज ये जुवेनाइल्स हैं जो शायद मेजर क्राइम्स भी कर रहे हैं बट इनको आई से इक्वेट नहीं कर सकते जिस टाइप की पनिशमेंट वहाँ पर है वो सेम नहीं दे सकते बिकॉज वी आर डीलिंग विद चिल्ड्रेन जो लोग एटीन uh, ईयर्स की एज से कम के हैं नाउ दीज दिस एक्ट अप्लाइज टू बेसिकली चिल्ड्रन इन कॉन्फ्लिक्ट विद द लॉ इट डज़ नॉट अप्लाई टू निगलेक्टेड अब्यूज ऑफ स्ट्रीट चिल्ड्रन यहाँ पर बात हो रही है कि किसी चाइल्ड ने कोई ऑफेंस किया है उसके बारे में जूविनाइल जस्टिस एक्ट क्योंकि अडोप्शन को लेके भी न्यूज में रहा है इसीलिए हम ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं देन कमिंग ऑन टू द फाइनल क्वेश्चन हु इज द कमांडर इन चीफ ऑफ आर्म फोर्सेज ये uh, जो क्वेश्चन है ये आया है पहले ऑप्शंस की बात कर रहे हैं चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ नहीं नाउ दिस कैन आल्सो यू कैन रिलेट टू द अनफॉर्चुनेट डेथ ऑफ द सी डी एस दैट टाइम समाइम बैक एंड मिस्टर बिपिन रावत आप सभी को पता होगा कि क्रैश में उनकी डेथ हुई थी तो इसलिए ये क्वेश्चन आया है अब क्योंकि प्रेसिडेंट भी रिसेंटली अपॉइंट हुआ है तो इसका आंसर जो है वो है प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट को कमांडर इन चीफ माना जाता है ऑफ द आर्मड फोर्सेस। सो हियर दिस इज द करेक्ट आंसर विथ दिस वी कम टू द एंड ऑफ दिस वीडियो Uh, जो क्वेश्चंस मुझे लगे कि ये रीसेंट uh, न्यूज़ के आइटम से भी रिलेटेड uh, हैं 2021 2022 वन के लिए वो मैंने यहाँ पर कवर किए हैं और भी वीडियोस इसमें आती रहेंगी इस सीरीज़ में सो इन ऑर्डर टू यू नो हैव कांस्टेंट अपडेट अबाउट दीज वीडियोज कीप फॉलोइंगस हेयर सब्सक्राइब टू आर चैनल एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आईकॉन